क्या गाइस, विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी उत्तरायण और मकर संक्रांति, आप जो भी बोलते हो। सो इन टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी अ व्लॉग, अ मकर संक्रांति व्लॉग। सो होप यू लाइक दिस व्लॉग। आपको मेरे व्लॉग काफी अच्छे लगते हैं, तो मैं आपके लिए अलग अलग व्लॉग लाती रहती हूँ। होप यू लाइक दिस वन ऑल्सो, एंड अगर आपको पसंद है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, ऑल्सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इसके बाद जो मैं बेल आइकन है उसे करना मत भूलना, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो पोस्ट करूँ आप ऑलवेज रेडी रह रहूँ। एंड यू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल। एंड या गाइस, विदाउट एनी फर्दर गेट स्टार्टेड। हेलो गाइस, सो अभी बज रहे हैं रात के 11:52 एज यू कैन सी। सो अभी मैं बाथरूम में आ रही हूँ, एंड मुझे हेयर ऑयल करना है। सब लोग बाहर सो रहे हैं, इसलिए मैं बाथरूम में शूट करने आई हूँ। सो अभी मैं हेयर ऑयल करूँगी। सो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मामा अर्थ का ऑनियन ऑयल, एंड दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर एट ऑल। सो मेरा बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, सो इसलिए मैं ये ऑयल यूज़ कर रही हूँ। एंड मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ क्योंकि बाहर सब लोग सो रहे थे। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, ये रहा मेरा मामा अर्थ का ऑनियन ऑयल, एंड अगर आपको बाय करना है तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड अभी मैं सो जाऊंगी। सो या गाइस, बाय बाय, टेक केयर। सो गाइस, अभी हो रही है सुबह और मैं उठ चुकी हूँ। सो यहाँ पर बहुत अच्छा वेदर हो रहा है, लुक को मैं आपको दिखाती हूँ। पूरा है ना स्मोकी स्मोकी सा, फॉगी फॉगी सा वेदर हो चुका है, देख सकते। इस साइड तो नहीं है पर इस साइड बहुत ज़्यादा। तो गाइस, मैं उठ चुकी हूँ और आपको इन्फो में तो देख ही होगा आपने कि और ये व्लॉग मैंने रात को ही चालू कर दिया था। और या तो अभी मैं जो भी करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। गाइस, दिस इज माय ब्रेकफास्ट, दिस इज मैगी, दिस इज ग्रीन टी, एंड दिस इज ऑरेंज। Yeah, let's have it. ओके गाइस, अभी मैं जस्ट मेरा आउटफिट निकाल रही हूँ। मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, तो दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग। दिस इज जींस, इसमें पर्स छोटू सा, मैं आपको दिखाऊंगी इसके अंदर क्या है बाद में। और मुझे मतलब मैं सो कंफ्यूज हूँ कि मैं कौन से हेयर बैंड लूँ, कौन से हेयर रिंग पहनूँ। देखो मैं आपको हेयर बैंड भी दिखा रही हूँ। आई हैव सो मच, मतलब मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मैं कौन से पहनूँ। कोई नहीं, अब भी मैं ठीक कर दूंगी। तो गाइस, मैंने सब कुछ रख दिया है अच्छे से। एज यू कैन सी, मेरा ट्राइपॉड पड़ा है यहाँ पर। गाइस, आफ्टर सो मैनी टाइम मैंने ये सब कुछ निकाल लिया है। एंड या मतलब मैं इयर रिंग्स में इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज हूँ ना। और या मैंने सब कुछ निकाल लिया है, एंड मैंने बैग भी मोस्ट प्रोबेबली मतलब मैं आपको दिखाऊंगी बाद में टाइम बचा तो। और या अब मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। गाइस, आई हैव टेकन बाथ। अभी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, एज मेरे बाल अभी सूखे नहीं है, मतलब जस्ट बाथ लेकर आई हूँ।
अभी तक मैं आपको छत पे नहीं लेकर गई हूँ, तो हम मतलब यहाँ सेलिब्रेट नहीं करने वाले, हम हमारी पापा की शॉप पर जाकर वहाँ सेलिब्रेट करेंगे, बिकॉज हमारी जो सोसाइटी है ना वहाँ पर कोई काइट फ्लाई नहीं करता, मतलब बहुत कम होते हैं। मैं अभी आपको ऊपर जाके दिखाती हूँ। यार लेट्स गो गाइस, अभी मैं जा रही हूँ ऊपर, अभी कोई नहीं है बिकॉज हम यहाँ काइट फ्लाई करने ही नहीं वाले हैं, हम कहीं और करने वाले हैं मतलब। सो आप देख ही सकते हो, एक भी आपको नहीं दिखेगी काइट यहाँ पर है, पर बहुत दूर दूर है जो आपको दिखने भी नहीं वाली है। हम दोपहर के बाद पापा की शॉप पर जाएंगे और वहाँ काइट फ्लाई करेंगे। सो गाइस प्लीज इग्नोर माय हेयर स्टाइल एंड ऑल, सब मैं नीचे आ गई हूँ और मैंने खाना भी खा लिया है, एंड अभी मुझे प्रॉप्स बनाना है, बट मुझे पता नहीं कि मैं पहले रेडी हो जाऊँ या फिर मैं प्रॉप्स बनाऊँ, सो देखते हैं। तो गाइस अब हम रेडी हो जाएंगे, मुझे प्रॉप्स तो बनाने हैं बट पता नहीं टाइम मिलेगा तो मैं बनाऊंगी अदरवाइज। और यहाँ गाइस सॉरी फॉर द लाइटनिंग, बिकॉज अभी घर में लाइट चली गई है ड्यू टू मकर संक्रांति, तो अभी मैं यहाँ आकर शूट करना पड़ रहा है, यहाँ पर अच्छी लाइटिंग नहीं है इतनी, बट या प्लीज मैनेज कर लेना। एंड भी मेरा बाल थोड़े से गिले हैं, तो तब तक हम मेकअप कर लेंगे, मेकअप लगाते लगाते चप्पड़ चप्पड़ करूँगी, तो प्लीज सुन लेना आज मेरे को। सो मैंने ऑलरेडी मेरी स्किन को मॉइस्चराइज कर लिया है, सो अब मैं यूज करूँगी दिस मेबलिन, हाँ दिस मेबलिन फिट मी कंसीलर। यार तो सेट भी करना पड़ेगा कंसीलर को, सो आई एम यूजिंग दिस मेबलिन फिट मी कॉम्पैक्ट। देन हम अप्लाई करेंगे आईलाइनर, सो आई हैव दिस हाइपर ग्लॉसी लिक्विड लाइनर फ्रॉम मेबलिन न्यूयॉर्क। वाटरप्रूफ मस्कारा, दिस इज लाइक वेरी नाइस मस्कारा। सो गाइस डन विद द मस्कारा एंड अब आती है हमारी लिपस्टिक टाइम। सो लिपस्टिक के लिए आई हैव दिस लैक्मे एब्सोल्यूट 3D मैट लिपस्टिक एंड माय शेड इज 05 पिंक पैशन। As done with the makeup look, it's very simple makeup. So अब मैं आपको मेरी हेयर स्टाइल लेके
व्लॉग एंड करना ही भूल गई, सो मैं आज व्लॉग एंड कर रही हूँ। या गाइस, होपिंग सो कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।